हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो एक टेक वीडियो है जहां मैं कंप्लीट डिटेल्स बताने जा रहा हूं सैमसंग कंपनी के लेटेस्ट मॉडल रेफ्रिजरेटर का। और ये एक 5-स्टार रेफ्रिजरेटर है और इसकी कैपेसिटी है 198 लीटर्स की। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये 2020 का लेटेस्ट मॉडल रेफ्रिजरेटर है और सैमसंग कंपनी ने इसे रिसेंटली लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो एक रिव्यू वीडियो नहीं है और मेरी कोशिश यह रहेगी कि मैं इस वीडियो में आपको इस रेफ्रिजरेटर की कंप्लीट डिटेल्स बताऊँ और आपको ये मदद करे इसे परचेज करने से पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने में। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस कमेंट के ऊपर रिप्लाई करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में। तो आइए सबसे पहले इसकी कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं। इस रेफ्रिजरेटर का कलर है पैराडाइज पर्पल और इसका मॉडल आप यहां पे देख सकते हैं RR21T2Z2W9RHL और इसकी कैपेसिटी है 198 लीटर्स की। और इस फ्रिज की MRP है 20,990 रुपीज़ और इसकी रिटेल प्राइस वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन रिटेलर्स स्कीम। और आइए अब इसकी टॉप टू बॉटम देख लेते हैं और देखते हैं इसकी नई पैटर्न कैसी है। सो आप देख सकते हैं ये एक अट्रैक्टिव पैटर्न है और 2020 का लेटेस्ट मॉडल रेफ्रिजरेटर है। और मुझे एक चेंजेस दिख रही है इस लेटेस्ट मॉडल रेफ्रिजरेटर में और वो है इसका हैंडल। आप इसके हैंडल को देख सकते हैं। सो कंप्लीट डोर पे विड्थ वाइज एक हैंडल प्रोवाइड किया गया है और अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है और टॉप साइड पे भी एक ग्रिप दिया गया है जिससे आप ओपन कर सकते हैं इस फ्रिज को। सो इसे ओपन करने के लिए हमें दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक जो लॉन्ग हैंडल दी गई है और एक टॉप ऑफ द फ्रिज जो हैंडल दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फ्रिज का लॉक दिया गया है और यहाँ से आप इसे लॉक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था ये एक 5-स्टार रेफ्रिजरेटर है और 1 ईयर में अप्रॉक्स 104 पावर यूनिट्स कंज्यूम करती है। और बॉटम में यहाँ पे देख सकते हैं आप मॉडल और 2020 यहाँ पे ईयर दिया गया है। इट मीन्स ये 2020 का लेटेस्ट मॉडल रेफ्रिजरेटर है और इसकी कैपेसिटी भी यहाँ दी गई 198 लीटर्स की। और यहाँ पर आप एक स्टिकर देख सकते हैं जिसपे मल्टीपल डिटेल्स दिए गए हैं। और इस फ्रिज में हमें मिलता है डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर और इस कंप्रेसर पर हमें मिलती है 10 ईयर्स की वारंटी। सो फ्रेंड्स, हमें मिलती है टोटल 1 ईयर वारंटी ऑन कंप्लीट फ्रिज एंड 10 ईयर्स वारंटी ऑन कंप्रेसर। ये फ्रिज बहुत कम पावर यूनिट कंज्यूम करता है इसलिए हम इसे इन्वर्टर से भी चला सकते हैं। और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपके यहाँ वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 100 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक की है तो अलग से स्टेबलाइजर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है और ये फ्रिज विदाउट स्टेबलाइजर वर्क करेगा। और ये है इस फ्रिज की साइड और साइड में आप देख सकते हैं एक स्टिकर जिसमें ये बताया गया है कि अगर फ्रिज की साइड्स गर्म होती है तो वो एक कोई ख़राबी नहीं है और ये मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन की गई टेक्नोलॉजी है। और साइड्स को भी आप देख सकते हैं और ये है इसका बैक साइड कम्प्लीटली पैक्ड है और बॉटम में कंप्रेसर यूनिट प्रोवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसकी टेक्निकल डिटेल्स और आउटसाइड व्यू को देख लिया। आउटसाइड व्यू हमें अट्रैक्टिव लग रहा है और ये एक लेटेस्ट मॉडल रेफ्रिजरेटर है। तो आइए अब इस फ्रिज को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके इनसाइड व्यू को और देखते हैं कि इसके एक्सेसरीज की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। फ्रेंड्स, मैंने इस फ्रिज को ओपन कर दिया है और ये है इस फ्रिज के इनसाइड व्यू का फर्स्ट इम्प्रेशन। फ्रिज को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है ये रेफ्रिजरेटर। तो आइए अब इसके हर एक सेक्शन को क्लोजली देखते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका टॉप टू बॉटम व्यू देख लेते हैं। और यह है इस डोर साइड का टॉप टू बॉटम व्यू। आइए सबसे पहले अब इसके सारे सेक्शन को क्लोजली देखते हैं। और यह इस फ्रिज का फ्रीजर सेक्शन और यहां पे आप देख सकते हैं इसके इनसाइड व्यू को। और एक रेड इंडिकेटर आपको मिलता है जो है डिफ्रॉस्ट इंडिकेटर। और यह डिफ्रॉस्ट इंडिकेटर यह बताता है कि इस फ्रिज को कब डिफ्रॉस्ट करना है। अगर आइस की लेवल इस डिफ्रॉस्ट इंडिकेटर से अब चली जाए तो हमें डिफ्रॉस्ट करना है। और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं हमें एक नॉब मिलता है और नॉब के बीच में एक बटन मिलता है जो कि है डिफ्रॉस्ट बटन। और इस फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करने के लिए हमेशा इस बटन को यूज़ करें और जब आप इसे प्रेस करेंगे तो ये फ्रिज डिफ्रॉस्ट हो जाएगी।
और डिफ्रॉस्ट बटन की साइड में हमें मिलता है टेम्परेचर कंट्रोलर नॉब, और इस नॉब को आप यूज कर सकते हैं टेम्परेचर सेट करने के लिए बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। सो बेसिकली हर एक सीजन में आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इस नॉब के थ्रू आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। 1 से 6 तक की सेटिंग दी गई है, और आप 1 को आप विंटर में सेट कर सकते हैं। बेसिकली अभी विंटर का सीजन चल रहा है तो आप 1 पे सेट कर दें, और समर में 6 पे सेट कर दें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल गाइड, जिसमें ये बताया गया है कि प्रेस ब्लू बटन इफ़ यू सी एक्सेस आइस इनसाइड फ्रीजर जोन। जो मैंने आपको बताया था कि रेड इंडिकेटर से एबव अगर आइस की लेवल चली जाए तो इस डिफ्रॉस्ट बटन को यूज़ करें, और वीक में आप 2 से 3 दिन इस डिफ्रॉस्ट बटन को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक वार्निंग भी दी गई है, डू नॉट यूज शार्प ऑब्जेक्ट टू रिमूव आइस। सो कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज ना करें, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी पाइपलाइन डैमेज हो सकती है। सो फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शन। और यह है इस फ्रिज का चिलर ट्रे, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट रखा जाता है, और सारी लिक्विड इस होल से होकर बाहर डिफ्रॉस्ट बकेट में स्टोर होती है, और जिसे हम इजिली क्लीन कर सकते हैं। और इस फ्रिज में मल्टीपल सेल्फ्स दिए गए हैं, और इस सेल्फ्स को आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आप जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप सेल्फ को निकाल सकते हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे दूसरी जगह पर सेट कर सकते हैं। और ये एक ग्लास का बना हुआ सेल्फ है, और इसे कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं। सेल्फ्स को लगाने के लिए मल्टीपल स्पेस दिए गए हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इसे निकाल सकते हैं और सेट कर सकते हैं। अगर बड़ी यूटेंसिल्स हो तो इसके निकाल कर बाहर भी रखा जा सकता है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपको मिलता है एक वेजिटेबल एंड फ्रूट बॉक्स, जिसमें आप ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट को रख सकते हैं, और एक आइस ट्रे भी दिया गया है, और कुछ ब्रोसल्स एंड लॉक की मिलते हैं हमें। और सारी यूनिट्स डिटैचेबल होती है, जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार निकाल सकते हैं। वेजिटेबल बॉक्स को कुछ इस तरह से मूव किया जा सकता है। और यह इस फ्रिज का डोर साइड, और यहाँ पे हमें मिलती है मल्टीपल रैक्स, और इस रैक्स में आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार फूड प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। और सारी यूनिट डिटैचेबल होती है, जिसे निकाल कर क्लीन किया जा सकता है। और यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं 2 रैक्स मिलती है, जिसमें लेमन एंड एग रखा जा सकता है। और उसके नीचे बॉटल्स के लिए 2 रैक्स मिलती है, एक बिग बॉटल्स के लिए और एक स्मॉल बॉटल्स के लिए, और छोटी बॉटल्स को आप यहाँ पर रख सकते हैं। और कुछ इस तरह से ये ओपन होती है, जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेशन मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसे ओपन करने का तरीका है, दोनों साइड से धीरे से पुश करें और इसे ओपन कर लें, और क्लीन करके फिर आप इसे सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और इस फ्रिज को ऑनलाइन भी परचेज किया जा सकता है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फ्रिज का बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और आप इसे परचेज कर सकते हैं। और ये है इस फ्रिज का क्विक सेटअप गाइड, और इसमें देख सकते हैं आप इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन एंड टेम्परेचर कंट्रोल करने की सारी जानकारी दी गई है, और यहाँ पे दिया गया डिफ्रॉस्ट कैसे करना है। जब भी आप इस फ्रिज को परचेज करें, इस इंस्ट्रक्शन गाइड को अच्छी तरह से पढ़ लें, इसमें कंप्लीट डिटेल्स दी गई है, और हर एक जानकारी दी गई है जो नए फ्रिज को परचेज करने के बाद रिक्वायर्ड होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसे परचेज करने के बाद इसे अच्छी तरह से पढ़ लें, ये आपको हेल्प करेगी इसे अच्छी तरह से इंस्टॉल करने में। बैक साइड में भी बहुत सारी जानकारी दी गई है, सो जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस डिटेल्स। और ये इस फ्रिज की यूज़र मैनुअल एंड वारंटी कार्ड, फ्रिज से रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस यूज़र मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लें, ये आपको हेल्प करेगी इस फ्रिज को अच्छी तरह से मेंटेन रखने में और कैसे ऑपरेट करना है। सो ऑल द डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन दिस यूज़र मैनुअल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ्रिज का वारंटी पेपर, और कुछ वारंटी कंडीशंस यहाँ पे दी गई है। सो आप बैक साइड में देख सकते हैं इसका वारंटी इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जिस भी रिटेल आउटलेट से आप इसे परचेज करें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करवा लें, ये आपको हेल्प करेगी इस फ्रिज की वारंटी को स्मूथली कवर करने में। इस फ्रिज पर हमें मिलती है 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी एंड 10 ईयर्स वारंटी ऑन कंप्रेशर। फ्रेंड्स, इन केस आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी नए प्रोडक्ट पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा उस प्रोडक्ट के अवेलेबल होते ही जल्द से जल्द उस प्रोडक्ट पर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी इस प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल्स, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए प्रोडक्ट के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।